वाली है, और वो अहम चीज क्या है वो आप लोग खुद देखेंगे उसके अंदर। जी हम आज आज मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, और सरप्राइज ये है कि आज से पहले जितनी भी हमने असाइनमेंट्स की हैं वो ज्यादा मुश्किल थी। जो नॉर्मली मार्केट में हो रही होती हैं वो आसान होती हैं। अगर आप लेआउट के हवाले से बात करते हैं तो लेआउट बहुत सिंपल होती है, उन्हें हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं अगर आपको कुछ आज की ड्राइंग वगैरह बनाकर दिखाऊं। आज हम एक फ्लायर बनाने वाले हैं, और फ्लायर जो है वो क्या चीज होती है, फ्लायर अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में आप फ्लायर के ऊपर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अगर देना चाह रहे हैं तो आप बहुत आसानी से फ्लायर को यूटिलाइज करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम बनाते कैसे हैं, ये जी आज हम देखने वाले हैं, और ये बहुत सिंपल है। तो हमारे पास कुछ लेआउट्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रंट एंड बैक डेवलप करें, थोड़ा सा हम मुश्किल टास्क लें ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से क्लेरिफाई हो जाएं। तो यहां से जी मैं आज ये दो फ्लायर्स ले रहा हूं, और हम आज हम फ्लायर के फ्रंट एंड बैक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए जी जरूरी है कि हम पेज की सिलेक्शन जो है वो A4 साइज पे लेंगे। मैं न्यू कर रहा हूँ, और A4 साइज हम इसके पेज का लेआउट लेने वाले हैं। तो प्रिंट मीडियम में जाएं, और प्रिंट मीडिया के अंदर A4 साइज मौजूद है। यहाँ से आर्ट बोर्ड आज आप दो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज हम फ्रंट एंड बैक ड्रॉ करने वाले हैं। सिंपल क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज आ जाएगा। फ्लायर के जो साइजेस हैं, या आपको कभी साइजेस में इश्यूज आते हैं या आपको नहीं पता चलता, तो उसके लिए आपके पास गूगल है, गूगल से आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। तो वहां पर डायमेंशंस नहीं समझ आ रही, अगर आपको विजिटिंग कार्ड की नहीं आ रही तो वहां पर लिखकर आप विजिटिंग कार्ड के साइजेस देख सकते हैं। अगर आपको फ्लायर की नहीं समझ आ रही तो आप फ्लायर का देख सकते हैं, और फ्लायर कई किस्म के हो सकते हैं, A4 साइज पे भी हो सकते हैं। A4 का पेज अगर आप उठाएं और उसको फोल्ड करें, और उसके बाद आप कोई साइजेस निकालें उसका, तो वो भी A4 साइज पे कंसीडर हो सकता है। बेसिकली हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारा जो रोल है जिसके ऊपर हमारी प्रिंटिंग हो रही है उसमें वेस्टेज कम हो, तो हम नॉर्मली वही साइज रखते हैं जिसके अंदर पेज के अंदर मैक्सिमम आपके फ्लायर्स बन सके या फ्लायर्स निकल सके। तो हम इसलिए कॉमन साइजेस होते हैं जिसके ऊपर हम प्ले कर रहे होते हैं। अब हमने लेआउट, हमने यहाँ से अगर हम दो सिलेक्ट किए हैं तो इसको जी सिंपल आप सिलेक्ट करें, और इसको अपने सिस्टम पे आके अपने पेज के ऊपर जो आपका आर्ट बोर्ड है उसके ऊपर लाके ड्रॉप कर दें। उसके बाद जी मैं इन दो इमेजेस को पहले तो सेट करता हूँ कैनवसेस पे, और कैनवसेस पे सेट होने के बाद इसको मैं लेके आता हूँ शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पे, और इसको मैं जी राइट साइड पे ले जाता हूँ। अब जी हम इसको फ्रीज करने लगे Ctrl 2 प्रेस करके, और अब मैं इसको अंदर से जो इसकी चीजें वगैरह हैं तो वो हम निकालते हैं, की ड्राइंग जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले हम की ड्राइंग बनाते हैं, और की ड्राइंग के अंदर क्या होता है जी, हमारा कलर फिल नहीं होता। सबसे पहले आप नन कर दिया करें अपने कलर को ताकि आप बाकी इश्यूज से बच जाएं। उसके बाद आपने पेन टूल लेना है, और पेन टूल की मदद से अब आपने प्रॉपर ये शेप्स बनाना शुरू करनी है। ये जो आपका एंकर पॉइंट है जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, और आपको जो प्रॉपर ये जो आपका टूल है अडोब इलस्ट्रेटर, ये आपको गाइड करेगा ड्यूरिंग लेआउट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये मुझे बता रहा है कि ऊपर भी आपकी लाइन बिल्कुल यहीं से स्टार्ट है। तो जहां पे आपके पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ है आप इस पे क्लिक करें, और यहाँ से आप अपनी पहली शेप बना ली है आपने, इसको यहाँ से बाइंड अप कर। उसके बाद जी हमें यहाँ से दूसरी शेप बनानी है, तो आप बिल्कुल यहाँ से सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस कर लिया करें अगर आप एक्यूरेट लाइन चाहिए, और यहां से फाइनल आपने ये वाली शेप भी बना ली।
लास्ट असाइनमेंट थी आप लोगों की फिश वाली, जिसमें मोस्टली बच्चों ने फिशेस तो बना ली हैं, सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन एक चीज की मेजर मिस्टेक जो थी वो ये थी कि आप लोग अपनी मर्जी से टेक्स्ट के कलर कॉम्बिनेशंस को नहीं फॉलो करते। आपका जो दिल करता है आप रेड कलर, ब्लू लेयर है, रेड कलर का टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये सारे एस्थेटिक्स हैं जो कि आपको अपने अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। मैं इसको जरा सेट कर रहा हूँ, तो ये काइंडली देखा करें कि अब इसके अंदर पूरी लेआउट के अंदर व्हाइट कलर का टेक्स्ट मौजूद है। अगर यहाँ पर मैं डिफरेंट रेड कलर का लिख दूंगा तो मेरी पूरी लेआउट में से वो स्टैंड आउट करेगा, और ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते। ये पता चल जाता है कि किसी नॉर्मल डिजाइनर का काम है। तो ये वो एस्थेटिक्स है जिनके ऊपर आपको भाई अभी से मेहनत करनी है, जैसे जैसे मैं सिखाता जा रहा हूँ आपको। इसके लिए कोई अलहदा क्लास नहीं होगी, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जो जैसे मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, पहली बात है अगर आप वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। एक दफा आप प्रैक्टिस तो कर लें, अपनी क्रिएटिविटी को जरा रोक लें, थोड़े अरसे के लिए रोक लें, उसके बाद आपका जो दिल करे आप बना सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश किया करें जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही कर लिया करें। वैसे ही बनाना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, फिर आप उसे जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं। ये जी आपकी पहली लेआउट यहाँ पर बन चुकी है, और इस लेआउट को हमने बना लिया, तो अब हम यहाँ से इसको भी बना लेते हैं। इसको भी जी कंट्रोल टू करके मैं फ्रीज कर रहा हूँ। जो जो बेसिक शेप्स आपको नजर आ रही हैं उसकी आप ड्राइंग करेंगे, तो यहाँ से आपने सिंपल शेप्स को सिलेक्ट करना है जो आपके पास यहाँ पर देनी है। एक तरीका कार ये है कि आप सिंपल बॉक्स लें और बॉक्स को आप इसके साथ ऐसे करके ड्रॉ कर लें, और ड्रॉ करने के बाद आपके पास एंकर पॉइंट है यहाँ पे, आप सिंपल इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ड्रैग कर लें। उसके बाद जी आपको एक और करना है, इसकी कॉपी लें आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से जी इसको सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ से आप कम कर दें। जी फाइनली हो चुका है। उसके बाद जी आपको इसको दोबारा सेट करना है, तो आप इसका एंकर पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपने लेआउट के मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक सर्कल बना लें। उसके बाद जी क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर एक शेप है, और जी यहाँ पर भी एक लाइन है। इसी को जी कॉपी करें और एडिट में जाएं, कॉपी दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट, और अब आप इसके जो एंकर पॉइंट से उनको उठा के सिलेक्ट करके यहाँ पे लें। ये जी आपकी लेआउट तैयार है, की ड्राइंग। अब आप अपनी की ड्राइंग को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करें और आल्ट और शिफ्ट की मदद से आप अपने कैनवस पे ला के रख। उसके बाद इधर से भी ऐसे ही करें, बिल्कुल ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से लाके आप इसके यहाँ पे सेंटर में लाके रखें। अब जी हमें इसमें कलरिंग करनी है। अब कलरिंग किस तरह होगी जी, सबसे पहले आप अपनी शेप्स को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आई ड्रॉपर टूल जो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी शॉर्टकट की है आई, इसको प्रेस करें, शेप सिलेक्ट की हुई है, और सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कलर फिल हो जाएगा जो एज इट इज आपकी लेआउट में मौजूद है। यहाँ से एज इट इज उठा लें, इसके अंदर अभी फिलहाल आप यहाँ से कोई भी कलर आपको मिलता है आप उठा लें, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे भी एक शेप है जिसके अंदर आपने इमेज लाकर प्लेस करना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपके पास एक कलर है ये प्लेस कर लें, उसके बाद यहाँ पर है ये कर लें, और उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर स्ट्रोक जो है उसको ओपन करें और इसको जी यहाँ से वाइट कलर कर लें, और वाइट कलर करने के बाद इसका जो स्ट्रोक है उसको आप बढ़ा दें
स्ट्रोक को आप सिक्स करना चाहते हैं सिक्स कर लें, और आई थिंक सो सिक्स ठीक है। उसके बाद एक और कॉपी आपने इसी बॉक्स की लेनी है और इसके ऊपर लाकर रख देनी है, और इसके अंदर जी आपने कलर करना है ब्लैक, और ब्लैक को मैं सिंपल स्वैप कर रहा हूँ तो स्ट्रोक का कलर फिल में चला गया, तो फिल के अंदर जी ये कलर मौजूद है। इस वक्त जो लेयर है वो नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे। ऊपर लाने के लिए लेयर को क्या करते हैं, कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करें, ये लेयर ऊपर आ चुकी है। अब आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए आपके पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद है, इस पे क्लिक करें, और ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे सिंपल लाइट सा कर देंगे आप। ये देखें अब एक मिरर इफेक्ट सा बन चुका है इस वक्त। तो अब हम इसके ऊपर बाद में टेक्स्ट लाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी जो इमेज है उसके अंदर कोई इमेज लेकर, हमारा शेप है उसके अंदर हम इमेज लेकर आते हैं। उसे लाने का तरीका क्या है, हमारे पास unsplash.com एक वेबसाइट मौजूद है, आप लोग भी लिख सकते हैं unsplash.com, ये आपको हाई राइज इमेजेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप ऑफिस का अगर एजुकेशन के हवाले से लिख सकते हैं, तो ये एजुकेशनल इमेजेस आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको गैलरी की चाहिए या आपको ये चाहिए, वॉट एवर, आप इनमें से कोई भी आप एक इमेजेस सेलेक्ट करें और इसको हम यूज करेंगे अपने शेप्स में। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका है, ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरे टैब में आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप बिल्कुल जी इसे ओपन करने के लिए सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ से जी हम कोई बिल्डिंग्स लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दें जी बिल्डिंग्स के ऊपर क्लिक कर सर्च करें, तो ये आपके पास ये डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। तो आप यहाँ से बिल्कुल बिल्डिंग्स उठा के यूज कर सकते हैं जो सी आपको अच्छी लगती है। फर्ज करें जी हम ये यूज करना चाह रहे हैं, तो इसको आप ओपन कर लें और यहाँ से जी डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास फाइल सेव होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड्स में सिंपल डाउनलोड फ्री, ये जो फ्री लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब आप डाउनलोड्स के पैनल में चले जाएं और डाउनलोड्स के पैनल के अंदर जाके आपके पास ये इमेज यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इसको उठा के अपने आर्टवर्क में आप यूज कर सकते हैं। अब आप इसकी क्वालिटी देखिएगा, जब मैं इसको ड्रैग करके सिंपल यहाँ पे लाके आप अपने बटन को रिलीज करना है तो ये इमेज ओपन हो जाएगी। जितनी बड़ी इमेज ओपन होती है इट्स मीन ये बहुत हाई रेज इमेजेस है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, और आप इसे जितना मर्जी छोटा करेंगे तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। तो ये जी इमेज मैं सबसे पहले अपने जो जिस शेप में मुझे प्लेस करना है उस साइज के मुताबिक मैं इसे कर रहा हूँ, और फर्ज करें जी ये साइज के मुताबिक आ चुकी है। तो जिस शेप में आपने अपने इमेज को प्लेस करना है उसके नीचे आपको लेकर जाना है इस इमेज को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल आपके कीबोर्ड में आई ओ पी लिखा हुआ है उसके साथ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट से आप इस लेयर को नीचे ले जा सकते हैं अपनी शेप के, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करते रहें जब तक नीचे नहीं चली जाती, मैं प्रेस किए जा रहा हूं, ये आ गई, करते रहें जब तक नीचे नहीं जाती। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके अपनी शेप को प्रेस करें जिसके अंदर आपने फिल करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर क्लिप मास्क मौजूद है, क्लिप मास्क के अंदर जाके आपने सिंपल मेक कर देना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्लिप मास्क में जाना है, और क्लिप मास्क में जाके आपने मेक का बटन है, आपने मेक के बटन पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर देंगे ये इमेज आपके पास आ चुका है। इस अगर आपने अंदर वाले इमेज को अभी भी थोड़ा सा रिसाइज करना है या उसको बेटर करना है और प्रॉपर वो शेप में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसी इमेज के ऊपर जहाँ क्रॉस बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अब आपकी पूरी स्क्रीन एकदम से ग्रेइश हो गई है। इट्स मीन आप इस इमेज को हिलाने की पोजीशन में और आप इस वक्त इस शेप के अंदर वाली स्क्रीन के अंदर मौजूद हैं। अब आप इसे अपनी बिल्डिंग्स को सेट कर लें अपने हिसाब से, तो आपको लगता है जहाँ पे आपने सेट करना है, फर्ज करें आपको लगता है यहाँ पे ठीक है, आप बाहर यहाँ पे ग्रे एरिया जहाँ पे, यहाँ पे डबल क्लिक करें आप दोबारा बाहर आ जाएंगे। अब आप इसे इजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको अपनी सेकेंड शेप में डालनी है इमेज, तो सबसे पहले आप इमेज को उठाएं और इमेज को उठा के जी आप यहाँ पर लाकर प्लेस कर दें, और इस इमेज को भी जी आप शिफ्ट और आल्ट की मदद से छोटा करिएगा क्योंकि प्रोपोर्शनली हमें कोई चीज बड़ी या छोटी करनी है तो उसके लिए हमें जरूरत होती है कि हम शिफ्ट और आल्ट की मदद लें। उसके बाद जी अगेन वही स्टेप, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करें, सबसे पहले आप उस शेप के नीचे लेके जाएं इसे जिस शेप के अंदर आपने इसे प्लेस करना है, ये जी चला गया है। उसके बाद जी आप शिफ्ट
प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करें और क्लिप मास्क का शॉर्टकट की है कंट्रोल 7, SEVEN 7, कंट्रोल 7 में प्रेस करूंगा तो आपका इमेज आपकी शेप में प्लेस हो चुका है। डबल क्लिक करें और इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं करनी है तो बाहर क्लिक करें तो यहाँ पर फाइनली आपकी शेप आ चुकी है। अब आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट वगैरह पुट करके प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको यहाँ पे एज इट इज कलर चाहिए तो सबसे पहले हम ऊपर वाली शेप का कलर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद इसका हमें ग्रीन चाहिए, ग्रीन कर लिया और यहाँ से जी आप प्रेफर करें लोगो आना है, ये लोगो कलर आ गया। यहाँ से जी आपको ब्लूइश उठाना है, यहाँ से आपने ब्लू उठा लिया। यहाँ से जी आपको स्ट्रोक का जो कलर है आपका ये है, आप फिल में कलर कर देते हैं और यहाँ से जी आप इसको ब्लैक करते हैं लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी में जाएं और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दें, ये ब्लैकेज से थोड़ी डाउन हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जी आपने एज इट इज ये कलर लेना है तो आपने सेलेक्ट किया और कलर ले लिया। अब आप देखें कि पूरी लेआउट के अंदर वो दो कलर से अलावा उसने यूज नहीं किए, तो डिसेंट अगर आपने काम करना है तो उसके अंदर मैक्सिमम कलर से डिसेंटनेस नहीं आएगी। जितने मिनिमम आप कलर्स यूज करेंगे उतना आपका काम इंप्रूव होगा, जितने आप कम से कम फॉन्ट यूज करेंगे उतना आपके डिजाइन के अंदर एक एस्थेटिक सेंस डेवलप होगी, तो ये बहुत जरूरी है, इसको आपने आइंदा के बाद फोकस करना है, ठीक है ना। अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कि आप लोग अपनी मर्जी से कलर, पहले जो आप कर रहे थे वो उसके अंदर आपकी मर्जी चल रही थी, अब आपने अपने आपको स्ट्रक करना है, थोड़ी देर के लिए रोकना है और आपने अपनी मर्जी नहीं करनी, ये काइंडली मेहरबानी करनी है। उसके बाद जी हमें यहाँ पर भी इमेज चाहिए तो यहाँ पर इमेज के लिए मैं यहाँ से कोई ये इमेज उठा लेता हूँ और इसको लाके यहाँ पर हम रखते हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से। और अब जी सबसे पहले नीचे लेके जाएंगे इस लेयर को और यहाँ पर जी हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे, इस वक्त आ चुकी है, इसको डबल क्लिक करके आप इसको इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जी जी फर्ज करें आपके असाइनमेंट, आपकी इमेज आ चुकी है। उसके बाद जी हमें ये वाला थोड़ा सा पोर्शन देना है तो उसके लिए जी हम इसको तो पहले ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करके जी हम इसी इमेज को बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ लाके हम इसको कलर कर देते हैं और इसकी एक कॉपी और ले रहा हूँ और कॉपी लेने के बाद उसका कलर जो है मैं लाइट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ये जी इतना ही कम कर लेते हैं हम और उसके बाद हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे और टेक्स्ट का साइज मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, यहाँ से जी व्हाइट टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको मैं हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ तो उसको नॉर्मल टेक्स्ट से मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा और इसका जी साइज को मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ, अगर आपने फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ होगा तो आपके पास भी ये ऑप्शन आ रही होगी, तो ये देखेंगे कितना डिसेंट लग रहा है और प्रॉपर पता चल रहा है कोई प्रेजेंटेशन हुई है। अब मैं कोई सोर्स फाइल ओपन करता हूँ इसी की जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है असाइनमेंट, ताकि मैं टेक्स्ट को जल्दी फिलअप करके आपको दिखा सकूँ या अदरवाइज आपको बनाना ही सिखा देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे सिंपल जी आप एक बॉक्स बनाएंगे
बॉक्स के अंदर आपके पास कस्टमाइज टेक्स आ रहा है, फिलहाल के लिए आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको जी मैं यहाँ से पैराग्राफ में जाके इसको मैं सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को आप सेंटर अलाइन कर लें, या आपको राइट अलाइन करना है राइट अलाइन कर लें। और राइट अलाइन करने के बाद इसकी अंदर से जो है स्पेसिंग है थोड़ी सी आप सेट कर लें, ताकि ये विजुअली इम्पैक्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए इसका। फर्स्ट करें जी, ये आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और टेक्स्ट को सिलेक्ट किए आई ड्रॉपर टूल से, मैंने व्हाइट कलर जहाँ पे है दिखा है मुझे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जी आप इधर लिख लें कंट्रोल जेड, यहाँ पर आके आप एक लिख लें यहाँ पे बैच 23, और इसको जी मैं बोल्ड कर रहा हूँ और नॉर्मल टेक्स्ट इसका बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप नॉर्मल टेक्स्ट बड़ा कर लें। टेक्स्ट का पैनल अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास, जैसे कंट्रोल टी तो ये आपके पास टैब ओपन हो जाएगा, इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से जी मैं बोल्ड कर रहा हूँ इसको, और बोल्ड करने के बाद इसी टेक्स्ट में रहते हुए मैं यहाँ पे इसको वाइट करूंगा आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से वाइट पोर्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसके अंदर जी मैं एक बीच पे पार्टीशन सी दे रहा हूँ इसके, और उसके बाद जी यहाँ पे एक छोटा सा और टेक्स्ट हम देना चाह रहे हैं फर्ज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका साइज 12 करूंगा, कंट्रोल जेड, बोल्ड नहीं रेगुलर करूंगा। और अब मैं गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं गूगल पे अबाउट फ्लायर, और यहाँ से जी मैं टेक्स्ट थोड़ा सा उठाना चाह रहा हूँ जो कि मैं बार बार यूज करना पड़ता है, तो मैंने कॉपी कर लिया और इधर मैं जी कंट्रोल बी कर रहा हूँ, और यहाँ से अब मैं थोड़ी सी लाइन इसमें से कट कर कर देता हूँ। और अब मैं जी इसको सेंटर लाइन करना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ में जा रहा हूँ, ये सेंटर लाइन का ऑप्शन है मेरे पास, और यहाँ से जी मैं इसे सेंटर लाइन कर देता हूँ। और टेक्स्ट को जी मैं अपने सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, और ये फाइनली अब मुझे इसको इसको अलाइन करना है। तो अलाइनमेंट में जाएं, सेंट्रल लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सेंट्रल लाइन आपके पास टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये आपने प्रॉपर ब्रीफ बना ली है। उसके बाद जी यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ बैच को, और इसके अंदर से 23 को यहाँ से निकाल रहा हूँ, और इस टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। जिसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी, ये टाइपोग्राफी वक्त के साथ आपको बनानी आ जाएगी, अभी फिलहाल के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर जी मैं इसे कहता हूँ 23 और डैश 2020, और इसको भी जी हम ओवरऑल यहाँ पे बड़ा करेंगे। और इसको जी मैं इसका टेक्स्ट को यहाँ से रेगुलर कर रहा हूँ, और इस और रेगुलर की ही मैंने कॉपी ले ली है, और अब मैं इसे लिख रहा हूँ जी LWE लर्निंग, और डबल क्लिक करके मैं इसके ओवरऑल टेक्स्ट को छोटा कर रहा हूँ, आई होप 60, और इसको भी जी हम अलाइन कर लेंगे, और होप सो ये अलाइन ही है। ठीक है जी, ये आपने जी इसकी टाइपोग्राफी सेट कर ली। उसके बाद जी आप इधर जी टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाएं, जो हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी साइजिंग को थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जी हम 14 कर लेते हैं, बैक स्पेस और कंट्रोल वी। ये जी आपका पैराग्राफ है जो कि आप यूज करना चाह रहे हैं अबाउट फ्लायर, तो हम यहाँ से एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद जी हम एक और यहाँ पर एक पार्टीशन करते हैं, और यहाँ से मैं शेप चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जी मैं वाइट कलर की स्ट्रिप्स बना रहा हूँ, और इसकी जी मैं कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी। अब मैं तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जी ग्रुप कर लिए, अब एक को नहीं मुझे उठाना पड़ेगा, अब मैं एक को भी उठाऊंगा तो तीनों उठेंगी। अब मैं इसको और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ये जी मेरे पास दोनों को सिलेक्ट किया और ये सेंटर अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अब ये सेंटर अलाइन हो चुका है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे पेज के अलाइनमेंट
जो पिंक कलर की लाइन आ रही थी, तो उसके बकॉल मैंने सेट कर लिया। उसके बाद जी आपने बैच 29, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसके मुताबिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे जी मैं लिख रहा हूँ लेआउट। उसके बाद जी यहाँ पे दो लाइंस की अगर आपको और कोई फिलिंग देनी है तो आप बिल्कुल दें, कंट्रोल भी। और इसके अंदर जी मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक हो गया ये जी, आपका पूरी अलाइनमेंट सेट हो गई है। उसके बाद जी आप यहाँ से टेक्स्ट उठा के थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और इसी को ही मैं हेडिंग बना रहा हूँ। और यहाँ पे जी मैं डैश 23 को हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, और ये जी हमारा टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद जी इसी की कॉपी करता हूँ, और नाउ मैं इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और इसके साइज को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं। और यहाँ पे जी और अब जी मैं मैं ये जी ओवरऑल यहाँ से टेक्स्ट उठा रहा हूँ ताकि क्विकली हम इसे बाइंड अप करें, और सेव करने का मैं आपको तरीका बता सकूं। और इसके अंदर जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उसे अनसेलेक्ट कर रहे हैं, और कंट्रोल सी, और अपने जहाँ पे मुझे इसे यूज़ करना है इसके ऊपर आके मैं कंट्रोल वी कर दूँ। और नाउ अब इस टेक्स्ट को हम अपनी मर्जी से सेट कर लें। ये जी आपका टास्क कंप्लीट है, और इस तरह करके आप अपनी टाइपोग्राफी सारी दे सकते हैं। अगर इसके अंदर अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसको डिलीट करके कंट्रोल पी, नहीं वो अच्छा जी, अब आपने हिडन बॉक्स बनाना है, हिडन बॉक्स बनाना नहीं भूलना। और यहाँ से जी एक लेयर हम इसको उठा लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो इसके आप बैकग्राउंड पे लाके रख सकते हैं। इसको सबसे नीचे ले जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये सबसे नीचे लेयर जा चुकी है। और अब हमने इसके ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाना है, और हिडन बॉक्स के लिए आप सिंपली यहां से एक पिक करें और यहां पे आप इसे ड्रॉ कर लें, और यहां से आप इसे कलर और स्ट्रोक को नन कर दें। अब जो बाकी चीजें हैं आपके कैनवस के बाहर उसको आप बेशक डिलीट कर लें, कंट्रोल आल्ट टू अनफ्रीज, और जो चीज़
अब आपको डिलीट करनी है, आप उन्हें इजीली डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेशक मेंशन कर दें लोगो, तो आपका कोई भी लोगो हो पहले असाइनमेंट्स में बना हुआ तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको इसी के अंदर एक हल्का सा शेडो देना है इस शेप के अंदर, तो आप इसे सिलेक्ट करें और या इसके अंदर देना है आपको, तो इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाएं और इफेक्ट में जाएं, स्टाइलाइज में जाएं और ड्रॉप शेडो, तो हल्का सा जी ड्रॉप शेडो आप दे सकते हैं, मामूली सा, पता नहीं चलना चाहिए, बस होना चाहिए। ये देखिए जैसे हल्का सा यहाँ पे फील आ गई, इसके अंदर भी देना चाह रहे हैं तो इसके अंदर भी दे दें, बिल्कुल मामूली सा होना चाहिए। नाउ फाइन, परफेक्ट, ठीक है जी। आई होप आपको आज का लेक्चर मजे का लगा होगा। सेव करने का तरीका सुन लें, फाइल में जाएं और यहाँ पे सिंपल सबसे पहले सोर्स फाइल को सेव किया करें, सेव करें, अपना पाथ दें जहाँ पे भी आप देना चाह रहे हैं। फर्ज करें आपका यहाँ पे फर्ज क्या आपका बैच का बना हुआ है यहाँ पे फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर लिखें जी प्लायर लेक्चर बैच 23, ठीक है जी। सिंपल यहाँ पे सेव कर दें और ओके कर दें। ये जी आपका इस वक्त सोर्स फाइल सेव हो रही है। सोर्स फाइल सेव करने के बाद दोबारा फाइल में जाएं और फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाएं और एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट एज में जाएं। क्या करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, और अब की बार आपने यहाँ पर यूज आर्ट बोर्ड पर क्लिक करना है तो आपके दोनों फ्लायर एट अ टाइम अलहदा अलहदा जेपैक्स में बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक ही उसमें आए तो, लेकिन एक का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि अपने क्लाइंट को दिखाना या अपने टीचर को दिखाना, तो आप दोनों तरह सेव कर सकते हैं। तो हम ऑल करते हैं क्योंकि हमने ये पहले कभी नहीं किया, तो एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट के अंदर हम कलर करेंगे जी आरजीबी और मीडियम और क्वालिटी 10 और ओके। ये आपका हो चुका है, इसे एक दफा दोबारा कर लेते हैं जिस तरह में हम पहले करते थे। अब हम आर्ट बोर्ड पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट जेपैक फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और आरजीबी कलर्स मीडियम क्वालिटी 10 और यहाँ से हमने सेव कर लिया है। अब मैं आपको लाके दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने बना लिया है। ये देखें एक दफा जी, ये दोनों पैनल जैसे पड़े हुए थे आर्ट बोर्ड वैसे ही अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर सेव हो चुके हैं। ये देखें जी, ये दोनों पैनल आ गए हैं आपके पास और उसके बाद ये अलहदा इंडिविजुअली भी आ गए 1 और 2। ये जी हमने बनाई है आज की असाइनमेंट। आई होप आपको मजा आया होगा और आइडिया हुआ होगा कि अब हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट तक पहुंचने के ऊपर हम गामजन हैं। मजा आया, यस लिखकर बता सकते हैं कि आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग किन किन बच्चों को लगा। ये लेआउट बनाना जो मैंने आपको सिखाया है ये सिर्फ फ्लायर के लिए महदूद नहीं है, कोई ब्रोशर भी आ जाए आप बना सकते हैं। आपको अंदाजा नहीं है आज के लेक्चर के बाद आपने कितनी चीजें कवर कर ली हैं। आपके पास वेब डिजाइन का कोई भी डिजाइन आए, लेआउट आए, आप उसे बनाने की पोजीशन में है। आपके पास फ्लायर आ जाए, फ्लायर बनाने की पोजीशन में है। आपके पास बिलबोर्ड आ जाए, आप बिलबोर्ड बनाने की पोजीशन में है। आपके पास कोई लेटर हेड आ जाए, आपको लेटर हेड बनाने की पोजीशन में इस वक्त आप। आपके पास प्रिंट मीडिया के हवाले से कोई भी चीज आ जाए आप उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। थैंक यू ईशा और जीनत, आप क्या कह रही हैं, ऑलरेडी था आपके पास, ऑलरेडी मेरे पास, मैंने जो था ये मैंने कहाँ से निकाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग पिन इंटरेस्ट पे जा सकते हैं लेआउट के लिए, वैसे तो मैं आपको खुद भी लेआउट प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर चले जाएं पिन इंटरेस्ट के ऊपर और यहाँ पर जाके फ्लायर लेआउट्स लिखकर सर्च करें। फ्लायर लेआउट्स लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट फ्लायर्स लेआउट्स की यहाँ पर ओपन हो जाएंगे।
आप इनमें से खुद भी अपनी मर्जी से उठाकर ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है ये तो करेंगे ही करेंगे, बाकी आपने दो अपनी मर्जी से खुद से यहाँ से लेआउट ढूंढनी है और ड्रॉ करके मुझे सबमिट करानी है। जैसे आप ये चीज आपने नोट करनी है, जैसे आपको विजुअल नजर आ रहे हैं ना, आपने काइंडली वैसे वैसे ड्रॉ करना है। ये देखें जी, आपको जैसे जैसे ये टेक्स्ट यूज किया हुआ डिजाइनर ने और जो कलर यूज किए हुए आपने, एज इट इज कोशिश करनी है वैसे ही यहीं से पिक करें, तो तब जाके आपकी चीजें संभलना शुरू होंगी। जैसे उसने फॉन्ट साइज बनाया हुआ है आप वैसे बनाएं। ये देखें जी, ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट नजर आया है मुझे, ये बनाएं आप। तो ये जो जो आपको टेम्पलेट नजर आते हैं ना भाई, आपसे जितने भी दूसरे डिजाइनर्स हैं वो डरें कि भाई इसके पास से अगर डिजाइन गुजार दिए ये तो ड्रॉ करने की सलाहियत रखता है। तो आप लोगों ने इस तरह का अपना चीजें वगैरह क्रिए वो करनी है। ये देखिए कितने अच्छे कॉम्बिनेशन है, रॉयल ब्लू हल्का सा रेडिश कलर, कितना मजे का ये पूरा पैटर्न है, और आपको देखने में कितना विजुअल इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग आ रहा है। तो ये आपने चीजें अपने अंदर पैदा करनी है। ये चीजें आपको किस तरह पैदा होंगी कि जब आप अच्छे डिजाइन देखने की सलाहियत रखेंगे। Pinterest.com वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं और डिफरेंट लेआउट से अपनी मनपसंद लेआउट्स को कॉपी कर लिया करें, और जब टाइम मिले तो उसको एज इट इज बनाकर मुझे सबमिट कराया करें। स्टक ना हो जाया करें, जो आपको दिया है बस आपने वही बनाना है। तो यहाँ पर जी अभी मैं आपको फाइल सेव कर देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी काम स्टार्ट करना है, ताकि कुछ बच्चे कहते हैं सर फौरन भेज दिया करें पता नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेरे लेक्चर के फौरन आधे घंटे के बाद उनकी असाइनमेंट आ रही होगी। भाई फुल मेहनत करके बनाए, ये नहीं है कि अपनी जान छुड़ानी है। जान क्यों छुड़ानी है यार आपने, आप अपनी स्किल्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्किल्स के लिए ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है कि आप अपनी जान छुड़ाएं। आप प्रॉपर हर चीज को करें, आपको शेडो प्रॉपर आने चाहिए, आपको हर चीज प्रॉपर आनी चाहिए। जब तक नहीं आ रही, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तब तक आप अपनी असाइनमेंट मुझे ना भेजा करें। प्रॉपर टाइम लें, 2 दिन लगाएं और एक चीज बनाएं, कम से कम पता तो चले आपके उसके अंदर 10-15 आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो रही हो। तो डेस्कटॉप पे भी जो मेरे पास कुछ लेआउट्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो आप उन्हें भी एज इट इज बनाने की कोशिश करें। ये है एक फ्लायर, एक ये फ्लायर है, एक ये जो अभी हमने डाउनलोड किया ये है, ये कुछ कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ से कितने मजे के सॉफ्ट कलर कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये आप इन्हें देखते हुए बनाएं। ये टेम्पलेट है, कितना मजे का टेम्पलेट है, तो ये अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बनाएं। ये कुछ कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। ये देखें कितने मजे का कॉम्बिनेशन है, 2 कलर कॉम्बिनेशन, कोशिश किया करें 2 कलर कॉम्बिनेशन में रहें, ताकि आपके एस्थेटिक्स आपकी चीजें कंट्रोल्ड रहें। कोई भी ऐसा नहीं करना कि आपने ये, आपको 4 टेक्स्ट डिफरेंट नजर आ रहे हैं ना, ये डिफरेंट नहीं है, बेसिकली एक ही टेक्स्ट है, उसके छोटे उसकी साइजिंग हुई हुई है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करते कि एक एक फॉन्ट कुछ और है, ये फॉन्ट कुछ और है, ये फॉन्ट कुछ और है। जितने भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज के डिजाइन उठा के देता हूँ, वो मैक्सिमम एक फॉन्ट को ज्यादा से ज्यादा बोल्ड डॉक्यूमेंट करेंगे रह गया हमारे या पास। स्लाइडली, ठीक है सचिन, या स्लाइडली अपने फॉन्ट को वो चेंज करते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है, और आप लोगों ने भी यही जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको फॉलोअप करते हुए चलना है। तो ये भी मैं पोस्टर आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो जिसके पास जितना टाइम है वो उसे यूटिलाइज करे, चाहे तो सारे बना लें आप लोग। मुझे तो ज्यादा अच्छी खुशी होगी इस बात की कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारा बना लेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। तो ये जी कुछ कलर कॉम्बिनेशन हैं जो मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ, और ये मैं ओके कर रहा हूँ, और ये इस वक्त 29 बैच के अंदर ये सारी चीजें जा रही हैं, जो आपको हेल्पिंग चीजें वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो इस तरह की कलेक्शन आप लोग खुद से भी क्रिएट कर लिया करें, खुद से सकते हैं बहुत आराम से। ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए, ये मैंने भी उठाए हुए कहीं से, शॉर्ट लिफ्ट किए हुए, कहाँ से किए हुए, ये सिंपल पिन इंटरेस्ट वगैरह से किए हुए। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, आई होप आपको काफी सारी चीजें आज अंडरस्टैंड हुई होंगी। अब हम डे बाय डे अपनी एक एक स्टेप आगे जाते रहेंगे और चीजों को बढ़ाना है हमने, और हमने एट द एंड एडवांस लेक्चर्स तक जाना है आप लोगों ने। तो मेंटली प्रिपेयर कर लें अपने आप को, अब जो वो वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी जो आप पहले करते आए हैं, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। यस लिखकर बताएं, और उसके बाद खुदा हाफिज। समझ आ गई है, यस लिखकर बता सकते हैं।
अच्छा, एक भाई ने तो कह दिया बाय, सर आपको मेरी तरफ से जवाब है। ठीक है जी, अगर आप तो आपकी तरफ से जवाब है तो हम चले जाते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और वक्त पे काम करते रहें और टाइम लिया करें प्रॉपर एक चीज़ के अंदर और उसे बेस्ट बनाने की कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।